अगर आपके डॉक्टर ने आपको स्लिप डिस्क से डायग्नोस किया है और आप ये जानना चाहते हैं कि वो स्लिप डिस्क कहाँ है और कितनी बड़ी है, तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप खुद कैसे अपना एमआरआई पढ़ के ये पता लगा सकते हैं कि कहाँ पे स्लिप डिस्क है और कितनी बड़ी है। नॉर्मली स्लिप डिस्क या सियाटिका के सिम्टम्स तब होते हैं जब डिस्क बाहर निकल के नस को दबाने लगती है। इसमें पैर में दर्द जाना, भारीपन, सुनपन, झुनझुनाहट, कमजोरी आना या मोशन या यूरिन का कंट्रोल जाने जैसे सिम्टम्स हो सकते हैं। अगर ये सिम्टम्स हैं तो आपके डॉक्टर ने आपका एमआरआई भी ज़रूर कराया होगा। नॉर्मली एमआरआई में दो तरह के कट होते हैं, जिसको कि हम सैजिटल कट या एक्सियल कट कहते हैं, जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा कि आप खुद कैसे अपने एमआरआई में देख सकते हैं। पहला कट है जिसको कि हम सैजिटल कट कहते हैं। इसमें ये चौकोर चीज़ें जो हमें दिख रही हैं ये मणके हैं, और इसके बीच में ये जो चीज़ है ये डिस्क है। ये कट ऐसा होता है कि जिसमें जैसे हमने शरीर को दो हिस्सों में काटा हो, राइट और लेफ्ट, और उसके बाद हम शरीर के एक भाग को देख रहे हो। इस कट में जो चीज़ पीछे से ये जारी होती है ये नस होती है। तो नॉर्मली ये डिस्क कहीं भी इस नस को दबा नहीं रही होती, लेकिन जब हम यहाँ देखते हैं इस कट में, ये पीछे जो काली चीज़ आ गई है डिस्क, ये इस नस को दबा रही है, सफ़ेद चीज़ को। तो ये इस कट में अगर हम देखें तो ये चीज़ स्लिप डिस्क दिखाती है। दूसरा कट है जिसको कि हम एक्सियल कट कहते हैं। इस कट में अगर आप देखें तो ये गोल चीज़ जो है ये डिस्क है, ये इसके पीछे ड्यूरा होती है या नसें जहाँ से जारी होती है, और ये स्पाइन के जोड़ होते हैं। ये कट ऐसा होता है कि जैसे हम किसी मरीज को बीचों बीच पेट से जैसे काट रहे हैं और पैर की तरफ से देख रहे हैं, तो ये सफ़ेद चीज़ जो है जहाँ से कि नसें जाती हैं, ये कभी भी इस काली चीज़ से या डिस्क से दबनी नहीं चाहिए। लेकिन अगर किसी मरीज को स्लिप डिस्क हो जाता है तो ये काली चीज़ पीछे आ जाती है ऐसे, और इस सफ़ेद चीज़ को दबाने लगती है। तो अगर ये इस तरफ दबा रही होती है तो इसका मतलब है पेशेंट के राइट साइड की नर्व दब रही है, इससे राइट साइड में पेन हो सकता है, और अगर ये इस साइड दबाती है तो फिर लेफ्ट साइड में पेन होता है। तो आपको अगर स्लिप डिस्क है तो आपका एमआरआई कुछ इस तरह की डिस्क निकलती हुई दिखाएगा। तो अब इस एमआरआई को देख के आप समझ गए होंगे कि आप अपना एमआरआई देख के खुद जान पाएं कि आपको स्लिप डिस्क अगर है तो कहाँ है और कितनी बड़ी है। नॉर्मली स्लिप डिस्क में 90-95% लोगों को सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर दवाइयों से और कंजर्वेटिव थेरेपी से आपका पेन ठीक नहीं हो रहा है तो आपको सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है। इसमें नॉर्मली हम दो तरह की सर्जरीज करते हैं, छोटे चीरे वाली या नॉर्मल कन्वेंशनल ओपन सर्जरी। छोटे चीरे वाली सर्जरी को हम एंडोस्कोपिक या माइक्रोस्कोपिक सर्जरी कहते हैं, जिसमें कि इतना चीरा आता है। ओपन सर्जरी में इससे थोड़ा बड़ा चीरा आता है, और दोनों के ही रिजल्ट काफ़ी अच्छे होते हैं। अगर आपको स्लिप डिस्क या सियाटिका की दिक्कत है और आपने एमआरआई कराया है तो नीचे दिखाए हुए नंबर पर आप मुझे अपना एमआरआई भेज दीजिए। जो भी आपका बेस्ट ट्रीटमेंट होगा मैं आपको एडवाइस करने की कोशिश करूँगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।